हेलो दोस्तों, आपका निरंकारी वीडियो चैनल में स्वागत है। इस लिंक में हम लोग वैद्युत रासायनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में चर्चा करेंगे। विद्युत रासायनिक सेल उस सिस्टम को कहते हैं, वैद्युत रासायनिक सेल उस सिस्टम को कहते हैं जिसमें दो इलेक्ट्रोड किसी विद्युत अपघाट्य के द्वारा अलग होते हैं। विद्युत रासायनिक सेल दो प्रकार के होते हैं, नंबर एक विद्युत अपघटनी सेल या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और नंबर दो गैल्वेनी सेल। तो विद्युत अपघटनी सेल जिस सेल में किसी बाह्य स्रोत से ऊर्जा देने पे रासायनिक अभिक्रिया होती है, किसी विद्युत अपघाट्य के विलयन में धारा प्रवाहित करने पे एनोड पर ऑक्सीकरण और कैथोड पर अपचयन की क्रिया होती है। तो बाय फिगर इसको हम समझेंगे। एक कंटेनर ले लें और इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट का
सॉल्यूशन भर दें और इसमें दो इलेक्ट्रोड लगा दें और इसको बैटरी से कनेक्ट करा दें। तो ये प्लस से तो यह हो गया एनोड और ये माइनस से जुड़ा तो यह हो गया कैथोड। तो ये आपका है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। दूसरा आपका आता है गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल। गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल, गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक वोल्टिक सेल, जिस सेल से विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, जिस सेल से विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है उसको गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल कहते हैं। गैल्वेनिक सेल में रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। गैल्वेनिक सेल के दो इलेक्ट्रोडों को किसी तार के द्वारा जोड़ने पर एक इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीकरण की क्रिया, एक इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीकरण की क्रिया और दूसरे इलेक्ट्रोड पर अपचयन की क्रिया होती है। तो इसमें क्या करते हैं, दो अलग अलग कंटेनर्स में दो विलयन भरे होते हैं, दोनों विलयनों को लवण सेतु या सॉल्ट ब्रिज के द्वारा जोड़ देते हैं। अब आपका आ रहा है डेनियल सेल, जो बोर्ड एग्जाम से काफी इंपॉर्टेंट है। डेनियल सेल क्या करेंगे, दो कंटेनर ले लेंगे। एक में हम क्या करते हैं, जिंक का इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, जिंक इलेक्ट्रोड, और इसमें जिंक सल्फेट विलयन भर देते हैं। और एक में हम कॉपर का इलेक्ट्रोड लगा देते हैं,
और इसमें कॉपर सल्फेट बुलेट भर दिए। अब दोनों तारों को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं और इनके बीच में एक क्या कर देते हैं, कनेक्शन दे देते हैं, जिसमें हमने क्या भर दिया, पोटेशियम क्लोराइड। ये ब्रिज सॉल्ट ब्रिज का कार्य करता है। अब हम निकालेंगे सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स ऑफ ए सेल। तो ई सेल जिंक आपका एनोड, ये एनोड का काम करेगा और कॉपर क्या करेगा, कैथोड का काम करेगा। तो सेल का विद्युत वाहक बल निकालना। तो सेल का विद्युत वाहक बल ई सेल इक्वल ई कैथोड माइनस ई एनोड। ई कैथोड माइनस ई एनोड ये निकाल लेते हैं। अब हमारा आता है नर्ट समीकरण का सामान्य रूप। तो दोस्तों अगले वीडियो लिंक में हम नर्ट इक्वेशन के बारे में चर्चा करेंगे, जो क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसके क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आते ही आते हैं। तो दोस्तों आप इस लिंक के अनिवार्य रूप से अच्छी तरह से तैयारी करें, जो आपको 70 मार्क्स दिलाने में काफ़ी मदद करेगा। धन्यवाद।